अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जब से आई है, महिलाओं के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तालिबान ने महिलाओं पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। तालिबान ने हाल ही में 144 पन्नों की दस्तावेज जारी किया है जिसमें अच्छे और बुरे गुणों को बताया गया है। बता दें, तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस तरह से नियमों को पहली बार औपचारिक रूप से जारी किया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता मौलवी अब्दुल गफर फारूक ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि यह इस्लामी कानून सद्गुणों को बढ़ावा देने और बुराई को खत्म करने में बहुत मदद करेगा। नए कानून के तहत औरतें अब सार्वजनिक स्थानों पर ना ही बात कर सकती हैं, ना ही अपना चेहरा दिखा सकती हैं। इन नए नियमों में महिलाओं के आने जाने, संगीत और पुरुषों के साथ बातचीत को लेकर कड़ी शक्ति कर दी गई है। बता दें, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के विरुद्ध अपने फरमान जारी करता रहता है। कभी एजुकेशन तो कभी रेडियो स्टेशन चलाने, कभी ब्यूटी पार्लर बंद करने जैसे फरमान पहले ही तालिबान जारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि इस कानून को नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। इस कानून को तब लागू किया गया जब इसे सर्वोच्च नेता अखुंदजद ने मंजूरी दे दी। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।